नमस्ते, निशा दीदी गिन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं दिया में तेल है कि नहीं, अगर नहीं है तो डालेंगे। हाँ तो चलिए दोस्तों, दिया में थोड़ा तेल कम हो गया है, बाकी सफाई कभी कर दिए थे, अभी नीम का सफाई करना रह गया है। चलते हैं वहाँ करेंगे, पहले तेल डाल देंगे। चलिए दोस्तों दिया में तेल डाले। और दोस्तों एक बात आप लोग बता दे रहे हैं, अब दूसरी मीटिंग का ही पूजा है दोस्तों, और खास बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास जो ये ज्योत जलाया जाता है दोस्तों वो घी से नहीं जल पाए, क्योंकि घी सूख जाता है, जम जाता है, ठंडी से पड़ती है, और जब जब तक ठंडी नहीं रहेगी तब तक जलेगा, लेकिन जब बाद में जब रात होती है थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तो घी से जम जाता है, तो दिया ज्योत नहीं जल पाती। इसलिए मैं आप लोग बताना चाहती हूँ कि जब भी ज्योत जलाना हो तो तिल का तेल खरीद लीजिएगा दोस्तों, अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, उसी से ज्योत जलाइएगा। अब चलते हैं दोस्तों वहाँ, अब वहाँ का साफ करते हैं, सफाई हो गई। ये दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा गोबर लेकर के पहले शीतला माई हम नीम को देखते हैं। ये दोस्तों अब नीम का भी सफाई हम लोग कर दिए पूरा, अब हर तरह काम बहुत है, अब सीधा चलेंगे हम लोग लहसुन। अंधियारा तो अंधियारा भी खरना चाहिए था दोस्तों, लेकिन थोड़ा भी सरस था, आज चलेंगे अभी यहाँ सफाई वही करके सीधा लहसुन के खेत में मिलते हैं दोस्तों, फिर उसे कचरेंगे तब वो खेत खाना जाएगा। देखिए दोस्तों जो हमने प्याज के दूधी को बोया था, धनिया पक गया है, लेकर आए हैं घर, देखा सुंदर थोड़ा है, छोटा छोटा पेड़ भी दिखा एकदम कचीन के पास से नहीं पाया पार्क खेत से आया दोस्तों। चलिए मैं खेत में हम आपको दिखाते हैं लहसुन, ये तो धनिया बहुत अच्छा फरा है, जो कुछ है घर का धनिया हम लोग बोए थे। चलिए दोस्तों देखिए मटर हम लोग छाँट रहे हैं, क्योंकि इसलिए छाँट रहे हैं दिखाते हैं, बड़ी बड़ी निकाल रहे हैं बोने के लिए, छोटी छाड़ निकाल देंगे रख देंगे दोस्तों, दाल बनेगा और बड़का रखेगा बोने के लिए। चलिए चलते सीधा खेत में। तो एक पेड़ टमाटर कितना अच्छा फरा है, इधर आओ इधर आओ, ज़्यादा पेड़ से ज़्यादा तो टमाटर है। चलिए दोस्तों कचरा दिया गया है, हमारे दर इधर सब कचरा उतरा है, उसे थोड़ा कम गिरा है गिरा दे रहा है, हमने बताया कि चलते उसके बाद पूजा होगी दोस्तों शाम का। हम देते हैं क्योंकि सबको खाना जा रहा है, हमारा रह गया है भी सब पता चल दोस्तों। संप मस्त खड़ा हुआ है, संप अभी पका नहीं है, पका होगा तो इस तरह से होगा, क्योंकि थोड़ा ये पका है और इससे ज़्यादा ये सबसे अच्छा ये वाला फल है, ये सब है। जब पकने लगेगा तैसे देखिए मोटे मोटे छाता जैसा। चलिए आइए लगुआ का पेड़ देखिए, हमारा इधर पहाड़ा वो भरा है, दो तीन खाना भरेगा बिल्कुल नहीं तो भरेगा ये नीचे इधर वाला सही है, घर बना कम था हर एक जहाँ देखा सही रही महंगा है। दोस्तों देखिए धनिया बहुत अच्छा है इस समय, और गर्मी का धनिया है और गर्मी का मर्चा भी है, अच्छा फर रहा है ये।
बहुत अच्छा पेड़ हो गया है, मिर्च बहुत सुंदर जी। चलो चलते हैं घर, अब पूजा वूजा की व्यवस्था करते हैं दोस्तों। माथे चढ़ा ले दोनों हाथ रखो, दोनों हाथ रखो ऐसे ले बतासा चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी।